में करेंगे बोले थे, आज रिक्त पदों पर भर्ती हो रहा है, संविधानिक लोगों को नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। मोतीलाल कौशिक जी का आंदोलन के दौरान दुखद निधन हो गया। हमारे मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाके 50 लाख रुपया मुआवजा देते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि 50 लाख रुपया उस दिवंगत परिवार के आश्रितों को दिया जाए। दूसरी बात, बीजापुर का कलेक्टर और प्रशासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराने के लिए सुपारी ले लिया। जो बीजापुर में 211 लोगों की सेवाएं समाप्त की गई है, समझ जाइए कांग्रेस के 71 विधायकों के विधायकी समाप्त करने का निर्णय है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, संविदा कर्मचारियों के हड़ताल को 3 दिन से ज्यादा हो गया है और कल ही खबर मिला है बीजापुर से 211 कर्मचारी संविदा से बर्खास्त कर दिया गया है। विजय झा जी समर्थन में हमेशा रहते हैं संविदा कर्मचारियों के, बात करते हैं विजय जी, कर्मचारी इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसे लेकर? हिंदुस्तान और भारत के संविधान में इच्छा मृत्यु जैसी मांग कितना गंभीर है और ये लोग कितना दुखी है, इसी से प्रमाणित होता है। मैं इनके बारे में तो मांग का समर्थन कर रहा हूँ। चुनावी घोषणा पत्र में किए थे 10 दिन में करेंगे बोले थे, आज रिक्त पदों पर भर्ती हो रहा है, संविदा नियुक्त लोगों को नियमितीकरण नहीं कर रहे हैं। हमारे संविदा नियुक्त एक कर्मचारी मोतीलाल कौशिक जी का आंदोलन के दौरान दुखद निधन हो गया। हमारे मुख्यमंत्री दूसरे राज्य में जाके 50 लाख रुपया मुआवजा देते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि 50 लाख रुपया उस दिवंगत परिवार के आश्रितों को दिया जाए। दूसरी बात, बीजापुर का कलेक्टर और प्रशासन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराने के लिए सुपारी ले लिया, इससे ही प्रमाणित होता है कि आंदोलन में राज्य सरकार सीधे निर्णय लेता है, कोई निचले स्तर पर निर्णय नहीं होता। जो बीजापुर में 211 लोगों की सेवाएं समाप्त की गई है, समझ जाइए कांग्रेस के 71 विधायकों के विधायकी समाप्त करने का निर्णय है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ है। हम इसकी निंदा करते हुए तत्काल 211 लोगों को, आंदोलनकारियों को तत्काल वापस लिया जाए और ऐसा आदेश करने वाला अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। विजय कुमार झा, कर्मचारी नेता, रायपुर।